बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल द लैंड ऑफ लज़्ज़त। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ लॉन्ग चिड़े, बहुत मज़ेदार चटपटे लॉन्ग चिड़े बन रहे हैं आज, और बिल्कुल बाजार जैसे बनते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों को मेरे चैनल पर काम करना होता है। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो लोग लिख सकते हैं द लैंड ऑफ लज़्ज़त, और इस तरह से आप लोगों को मेरा पेज शो होगा और आप लोगों को यहाँ पे मेरी वीडियोस शो होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से मेरे पेज पे जाके आपको करना है, सबसे पहले करना है आप लोगों को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करके आपको बेल का बटन ऐसे रखना है ताकि आप लोग मेरी वीडियोस को इजीली फटाफट आप लोग मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन देख सकें और मेरी वीडियोज़ से रेसिपीज़ सीख सकें। तो शुरू करते हैं जी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेना है बेसन। बेसन हमने लिया है 2 कप, ठीक है जी। क्वांटिटी मैंने सब लिख दी है, आप देख सकते हैं। इसमें हमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ठीक है जी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हमने लिया है 2 चम्मच, ठीक है, 2 टेबल स्पून। बाकी क्वान्टिटी मैंने लिख दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। जो स्पाइसेस में जाएंगे वो हैं सॉल्ट है, सोडा है, अजवाइन है और ज़ीरा है। ये चारों चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, ठीक है जी। अजवाइन है और ये है ज़ीरा। क्वांटिटी सब लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो से। तो मैं इसमें बेसन में सब चीज़ों को ऐड करूँगी और पानी डाल के मैं इसका बैटर बना लूँगी। थोड़ा थिक बैटर बनाना है, ये देखिए जी। अभी मैं सब डाल के पानी इसका बैटर बना लूँगी। अभी ये बैटर रेडी हो रहा है। बैटर हो गया रेडी, ठीक है जी। अब मैं इसको करूँगी 2 पार्ट में, मैं इसको डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। आधा आधा मैं इसको डिवाइड करूँगी। आधा मैंने रखना है बिल्कुल सादा, इसी कलर में जो कलर होता है फुल्कियाँ कह लें, पकौड़ियाँ कह लें। तो इसको मैंने आधा निकाल लिया है अलग से और आधे में मैं करूँगी कलर ऐड करूँगी, ठीक है जी। मैंने लिया था रेड कलर, रेड कलर के साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी, ठीक है। तब जाके आपके पास कलर अच्छा बनेगा, तो इसलिए आपने थोड़े से कतरे जो है वो इसके डालने हैं रेड कलर के, और थोड़े से 2 से 3 कतरे आप डाल देंगे ऑरेंज कलर के, ठीक है जी। तो ये अब रेडी हो गया है, ये देखें जी। अब ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ, इसे मैंने ऑरेंज कलर भी ऐड किया था, ठीक है जी। ये मैंने ऑरेंज कलर भी इसमें ऐड कर दिया, अभी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसकी फुल्कियाँ बनाऊँगी या पकौड़ियाँ कह लें, ठीक है जी, वो बनाऊँगी मैं इसकी। अब शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप और डीप फ्राइंग नहीं करनी है, थोड़े से ऑयल में करना है इनको, ठीक है जी। मैं फ्राई करूंगी। ये देखिए जी, रेड वाले हमारे रेडी हो चुकी हैं फुल्कियाँ, ठीक है। अब मैं करूँगी जो येलो वाली, जो नॉर्मल सिंपल जिसमें कलर हमने ऐड नहीं किया था, अब वो वाली हमने फ्राई करनी है, ठीक है जी। तो ये अब मैं फ्राई कर रही हूँ सादी वाली जिसमें कलर ऐड नहीं हुआ था।
ये देखें जो दोनों पकड़ दोनों फुलकियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इस पर चटनी डालूंगी। चटनी की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ पहले, आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं रेसिपी को, चटनी की रेसिपी। तो अभी मैं इस पर चटनी अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है जी। सब पे अच्छी तरह चटनी लगानी है। आप इस पर लगाना नहीं चाह रहे तो फिर आप अलग से रख दें। मैंने प्लेटिंग की थी तो इसलिए मैंने इस पर पहले से प्लेटिंग के लिए इसके ऊपर अप्लाई कर दी थी चटनी, ठीक है जी। जैसे बाज़ार में मिलते हैं तो बिल्कुल वैसे ही। अच्छा जी, अब मैंने इसमें प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें कट करके डाल दिया था प्याज में। अब मैं इसको डाल रही हूँ इसके ऊपर, जैसे बाज़ार में मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह से। और ये लॉन्ग चटनी रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।